बसमिल्लाम रहीम आज हम डिस्कस करेंगे रियल एनालिसिस उसका लेक्चर हमारे पास ट्वेंटी नाइन है हमारे चैनल का नाम आसफ़ महमूद ए पी मैथीमेटिक्स है यहाँ पे एफ़ एस BS, सी बी एस बी एस सी एम एस सी मैथीमेटिक्स को डिस्कस किया जाता है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और आगे शेयर करें अब हम कुछ इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम्पल डिस्कस करेंगे जिसमें हमारे पास वन है लिमिट एक्स प्रोजेस टू प्लस मेरा जब आप लिखते हैं कि लिमिट एक्स प्रोजेस टू जीरो पॉस इसका मतलब राइट हैंड लिमिट वन ओवर एक्स माइनस वन ओवर साइन एक्स यहाँ पुट करेंगे एक्स की वैल्यू जीरो तो वन ओवर जीरो इन्फिनिटी साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है जीरो तो वन ओवर जीरो इन्फिनिटी क्या है इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म जो क्या होती है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स जिनको हम सॉल्व नहीं कर सकते तो अब हम इसका एल्सियम लेंगे एक्स साइन एक्स 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 टैंस साइन एक्स साइन एक्स साइन एक्स टैंस के आ गया एक्स अब आप पुट करेंगे साइन जीरो जीरो ओवर जीरो आपके फॉर्म कौन सी फॉर्म आ गई जीरो ओवर जीरो फॉर्म अप्लाई करें एल हॉस्पिटल रूल साइन का डेरिवेटिव कॉज एक्स का डेरिवेटिव वन यहाँ लगाएंगे प्रोडक्ट रूल एक्स का डिड वन साइन इट फिर एक्स एज इट साइन का डेरिट कॉज आप पुट करेंगे दोबारा जीरो कॉज जीरो जीरो क्या होता है वन वन माइनस वन अगेन आ गई जीरो ओवर जीरो फॉर्म अगेन अगेन एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करें कॉज का माइनस साइन वन का डेरिवेटिव जीरो साइन का डायरेट कॉज यहाँ लगाया प्रोडक्ट रूल एक्स काज एक्स फिर एक्स एज इट कॉज का डाइट माइनस साइन तो ये क्या हो गया डबल टू एक्स माइनस आप पुट करें साइन की वैल्यू जीरो कॉज की वैल्यू जीरो की वन टू साइन जीरो जीरो तो क्या आ गया टू ओवर जीरो आंसर ज़ीरो एक्स ओवर लॉग ऑफ एक्स तो कैसे अप्लाई करेंगे एक्स पॉजिटिव इसको हम लिखेंगे बेटा लॉग ऑफ एक्स इसको एक्स को लिखेंगे वन ओवर एक्स क्योंकि एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई होता है जब फंक्शन हो डिनोमिनेटर में डिनिट ऑफ एक्स ओवर जी ऑफ एक्स अब अप्लाई करें लॉग जीरो क्या होता है इन्फिनिटी और देखिए वन ओवर जीरो क्या होता है इन्फिनिटी क्या फॉर्म है इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म तो अप्लाई करें एल हॉस्पिटल रूल ऊपर वाले का ऊपर डेरिवेटिव नीचे वाले का क्योंकि वन ओवर एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस वन ओवर एक्स के तो डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ एक्स का होता है वन ओवर एक्स ये फैक्टर कैंसिल ऊपर चला गया तो ज़ीरो पुट करें आंसर जीरो यहाँ पे देखें एक्स की पावर एक्स है जब वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो तो आप क्या अप्लाई करते हैं लॉग इसको लें एक्स के बराबर दोनों तरफ लॉग अप्लाई करें लॉग ऑफ वाई लॉग ऑफ एक्स की पावर एक्स तो पावर तो शुरू में आ जाएगी एक्स लॉग ऑफ एक्स इसको हम लिखेंगे एग लॉग ऑफ है इसको एक्स को लिखेंगे वन ओवर एक्स तो फिर दोनों तरफ लिमिट अप्लाई कर देंगे जीरो जीरो लें इसका डेरिवेटिव वन ओवर एक्स इसका डेरिवेटिव माइनस वन ओवर एक्स के कैंसल तो क्या आ गया जीरो मैंने इसको किसके बराबर लिया वाई के जब ये इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा एंटी लॉग एंटी लॉग क्या था ई की पावर जीरो तो ई की पावर जीरो आंसर क्या होता है वन इसी तरह यहाँ पे भी आप नोट कर लें आपके पास वेरिएबल की पावर वेरिएबल है तो आप इसको वाई के बराबर लेंगे वन प्लस वन ओवर एक्स होल पावर एक्स फिर क्या लेंगे लॉग लॉग ऑफ आई लॉग ऑफ वन प्लस वन ओवर एक्स होल पावर एक्स जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल हो तो हमेशा लॉग लेना है अपने तो लॉग ऑफ आई पावर क्या आ जाएगी शुरू में एक्स लॉग ऑफ वन प्लस वन ओवर एक्स तो इसको लिखेंगे लॉग ऑफ आई लॉग ऑफ वन प्लस वन ओवर एक्स इसको मैं लिखूंगा एक्स को वन ओवर एक्स तो क्या अप्लाई करेंगे अब एल हॉस्पिटल रूल चेक कर लें ये फॉर्म कौन से बनती यहाँ पुट करें जी इन्फिनिटी वन इन्फिनिटी जीरो क्या आ गया वन वन की पावर इन्फिनिटी तो आगे हमने लॉग ले लिया उसके बाद मैंने एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई किया तो इन्फिनिटी वन ये अगर क्या बन जाएगा एंटी लॉग ई की पावर वन तो आंसर क्या होता है ई अब देखें ये भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल उसी तरह लॉग लेंगे लॉग लेंगे फिर उसको आप नीचे लिख लेंगे फिर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ गया ज़ीरो तो ये जो आकर क्या बन जाएगा एंटी लॉ अब हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है टेलर थ्योरम स्टेटमेंट है एफ बी अ फंक्शन नंबर वन हमारे पास है एफ एफ डै फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डै सेकेंड डायरेवेटिव अपन एफ एन माइनस वंथ डेरिवेटिव आर कॉन्टीन्यूअस कॉन्टीन्यूअस क्लोज इंटरवल ए व ए प्लस एच दूसरी स्टेटमेंट है एफ ऑफ एंथ डेरिवेटिव एग्जिस्ट ऑन ओपन डरवल ए व ए प्लस एच फिर है देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट थीटा लाइज बिटवीन जीरो एंड वन सच दैट एफ ऑफ ए प्लस एच एफ ऑफ ए प्लस एच एफ डैश ऑफ ए प्लस ए स्केर ओवर टू फिक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ ए प्लस अप टू साउंड प्लस एच एन ओवर एन फिकटोरियल एफ एनथ डेरिवेटिव ए प्लस थीटा एच थीटा लाइज बिटवीन जीरो एंड वन क्योंकि ये टेलर थ्रोम बाई नेम है इसकी स्टेटमेंट भी आपको ज़ुबान नहीं याद होना चाहिए नोट कर लें जितना डेरिवेटिव उतना फिक्टोरियल उतना एज की पावर जितना डेरिवेटिव उतनी एज की पावर, पावर उतना ही फिक्टोरियल जितना डेरिवेटिव उतनी एज की पावर उतना ही फिक्टोरियल ये है टेलर थ्योरम ये वैसे आपने एफ एस सी एफ एस सी सेकेंड ईयर में भी आपने डिस्कस किया है एक्सरसाइज टू पॉइंट एट में तो देखें आप इसका प्रूफ यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपने फंक्शन को कैसे कंसीडर करना है तो वो आपका मेन है आप कंसीडर करेंगे फंक्शन को एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन लेंगे एफ़ ऑफ एक्स प्लस ए प्लस एच माइनस एक्स एफ डैश ऑफ एक्स आगे ए प्लस एच माइनस एक्स का स्केयर ओवर टू फिक्टोरियल एफ़ डबल डैश ऑफ एक्स प्लस ए प्लस एच माइनस एक्स का क्यूब ओवर थ्री फिक्टोरियल एफ़ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स प्लस अप टू सॉन ए प्लस एच माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन ओवर एन माइनस वन का फैक्टोरियल एफ एन माइनस वन ऑफ ए प्लस ए प्लस एच माइनस एक्स की पावर एन ओवर एन फिक्टोरियल इन टू ए इसको बोलेंगे क्वेश्चन नंबर वन ये जो फंक्शन है ये आपको जुबानी याद होना चाहिए फिर आप रोल थ्योरम को आपने पढ़ा था रोल थ्योरम वो क्या था कि एफ ऑफ एज इक्ल टू एफ ऑफ बी जो उसकी तीसरी कंडीशन थी अब हमारे पास एफ ऑफ ए है एफ ऑफ ए प्लस एच है क्यों मेरे पास इंटरवल ए से ए प्लस एच है ये ए है और ये हमारे पास बी है तो आप पुट करेंगे फंक्शन में पहले आप ए की वैल्यू पुट करेंगे फिर एफ ऑफ ए प्लस एच की फिर दोनों को हम क्या ले लेंगे बराबर एफ ऑफ ए प्लस एच तो देखिए बेटा पहले हम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे ए पुट करें यहाँ पे देखिए जरा पुट करें ए यहाँ पे यहाँ पे ए पुट करेंगे नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल यहाँ पे ए पुट करेंगे नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल यहाँ पे ए पुट करेंगे नेगेटिव पॉजिटिव कैंसल यहाँ पे ए पुट करेंगे नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल देख लें एफ ऑफ ए क्या बचेगा एज एफ डैश ऑफ ए यहाँ ए स्केयर एफ डबल डैश ऑफ ए ये देखिए कैंसिल एज की पावर एन माइनस वन ओवर एन फटोरियल एफ एन माइनस वन ऑफ ए यहाँ पे एज की पावर एन ओवर एन फैक्टोरियल इन टू ए अब मैं पुट करूँगा एक्स की वैल्यू ए प्लस एच पुट करें यहाँ एफ ऑफ ए प्लस एच यहाँ पुट करें एफ ऑफ ए प्लस एच यहाँ पुट करेंगे एक्स जगह पे देखें ए प्लस एच माइनस एक्स ए प्लस एच एक्स जगह पे ए प्लस एच माइनस ए माइनस नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव कैंसल ये भी जीरो हो जाएगा ये भी जीरो ये भी जीरो ये भी ज़ीरो सारे फैक्टर ज़ीरो हो जाएंगे सिर्फ पहला बचेगा एफ ऑफ ए प्लस एच इसका मतलब <coughs> ये एफ़ ऑफ एफ़ ऑफ़ ए प्लस एच दोनों ऑप्शन में क्या है बराबर इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दें ये देखें और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई एफ़ ऑफ ए प्लस एच ये देखें इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी एफ़ ऑफ ए प्लस एच और एफ़ ऑफ ए की वैल्यू मैंने उठा के ये देखो सारी पुट कर दी अब हमारा काम क्या है कि हमारे पास एफ ऑफ़ ए बराबर एफ ऑफ ए प्लस एच के आपने कहा था कि इस फंक्शन ने रोल थ्योरम की सारी कंडीशन को क्या किया कियाफाइड सो कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज सेटिस्फाइड सेफाइड ऑल कंडीशन ऑफ रोल थ्यूरम फिर क्या था देन देर एग्जिस्ट पॉइंट थीटा जिसको आपने लिखा था कि एफ डैश आपने लिखा था वहां पे एफ डैश ऑफ सी अब हम लिखेंगे एफ डैश ऑफ ए प्लस थीटा एच इज इक्वल टू जीरो अब सी की जगह पे क्या है हमारे पास यहाँ ए प्लस थीटा एच अब डेरीवेटर लेने का तरीका समझें यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल मैं आपको एक रूल बताता हूँ यहाँ पे तो आगे थोड़ा सा आपको डेरीवेटर लेने का तरीका समझ आ जाए जैसे हमारे पास फंक्शन था f ऑफ एक्स इजिकल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए प्लस एच माइनस एक्स एफ डैश ऑफ एक्स प्लस ए प्लस एच माइनस एक्स का स्केयर ओवर टू फिक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ एक्स सिर्फ आप डवेट समझ लेना इसका डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स इसका डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स ये दो फंक्शन की मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव ये कॉन्सटेंट जीरो एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन साथ आ गया एफ डैश ऑफ एक्स अब ये फंक्शन एज इट अब सेकेंड का डेरिवेटिव एफ डबल डैश ऑफ एक्स दोबारा नोट कर लें जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे ए प्लस एच माइनस एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये कॉन्सटेंट डायरेट जीरो कॉन्सटेंट डेरिवेटिव जीरो और एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन तो क्या आ गया माइनस वन फिर फर्स्ट फंक्शन है सेकंड का डेरिवेटिव इसी तरह इसका डेरिवेटिव लें पावर शुरू में ए प्लस एच माइनस है उसकी पावर एक कम ओवर टू फिर फंक्शन का डेर्व। इसका डेरिवेटिव जीरो इसका डायरेव माइनस वन एफ डबल डैश ऑफ एक्स फिर पहला फंक्शन वैसे ही ए प्लस एच माइनस एक्स होल स्केयर ओवर टू फिक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स प्लस अप टू सोन तो फिर आप क्या करेंगे एक्स पे पुट करेंगे ए प्लस थीटा एच यहाँ पे यहाँ यहाँ पे एक्स है तो देखें मैंने इसका डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया डेरिवेटिव आप देख लें नेक्स्ट स्टेप पे इसका डेरिवेटिव हमने अप्लाई किया डेरिवेटिव अप्लाई किया तो डेरिवेटिव हमारे पास ये आ गया मैंने कहा था ये फैक्टर कैंसिल होंगे ये इससे कैंसिल हो गया और ये फैक्टर इस फैक्टर से कैंसिल तो हमारे पास दो फैक्टर बचेंगे लास्ट वाले दो फैक्टर्स तो अब हम क्या पुट करेंगे एक्स की जगह पे ए प्लस थीटा एच यहाँ एक्स है पुट कर दें ए प्लस थीटा एच यहाँ पुट कर दें एक्स प्लस थीटा एच यहाँ पुट कर दें एक्स प्लस थीटा एच ये देखें मैंने एक्स प्लस थीटा एच पुट कर दिया एक्स जगह पे ए प्लस थीटा एच एक्स जगह पे ए प्लस थीटा एच ये कैंसल यहाँ से आप एच कॉमन भी निकाल सकते हैं यहाँ से एच माइनस एच की पावर एन माइनस वन तो एच एन माइनस वन कॉमन निकाल लें वन माइनस थीटा की पावर एन माइनस वन तो इसका मतलब है कि ये फैक्टर कभी जीरो नहीं होगा एच माइनस थीटा एच की पावर एन माइनस वन ओवर एन माइनस वन का फैक्टोरियल नॉट इक्वल टू इसका मतलब फिर ये किसके बराबर है जीरो के एफ ऑफ एन ए प्लस थीटा एच माइनस ए इज इक्वल टू जीरो ए की वैल्यू आ गई एफ ऑफ एन ए प्लस थीटा एच ये ए की वैल्यू उठा के बेटा हम यहाँ पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर पत्र में हमारा आंसर आएगा यहाँ पुट कर दें ए की वैल्यू किसके बराबर है एफ ऑफ एन ए प्लस थीटा एच तो ये देखें मैंने ए की वैल्यू एफ ऑफ एन प्लस किस में पोर्ट कर दी इक्वेशन थ्री में तो यही हमारे पास टेलर थ्योरम है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है अगर इसमें कोई पॉइंट ना क्लियर हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं